पहलू ज वचनामृत के देह ने देह संबंधी में जेवी गाढ़ प्रीति से तेवी सत्संग में गाढ़ प्रीति केम थाती नहीं त्यार श्रीजी महाराजे शू कीधु के जेम जेम भगवान नु माध्यम जाण्यु नथी अने जेना द्वारा परमेश्वर नु माध्यम जाण्यामां आवे छे एवा जे साधु ते जारे अपना ऊपर जारे वात करे ना अपना स्वभाव ऊपर अपना दोष ऊपर अपनी नबळाई ऊपर त्यारे ते वात हौळी लेवाती नथी माने करीने अहंकारे करीने वात अवळी लईए छीए अने वातना करनारा साधुनो अभाव लेवीए छीए मनमां ए पापे करीने सत्संग में गाढ़ प्रीति थाती नथी पहलू ज वचनामृत श्री मुख वाणी ए पापे करीने कोई साधु अपना स्वभाव ऊपर बरोबर टूका जाली ने वात करता होय अने अपना दिल में सहज पण एम थई जाय हूँ सोट्या छो नकरी मारा ऊपर वात करो छो पछी हूँ के करो छो आवो सहजय अभाव अणगमो थाय एटले बहु मोटू पाप लागे एम पहेलू वचन अमृत कहे छे हूँ नथी कहेतो ए पापे करीने अने महाराजे पाप कीधु आपणे क्यारेय एने पाप समजता नथी आपणा मनमां एम ज छे के मैं कदी दारू पीतो मैं कदी कोईनुं धन ओळवी चोरी लीधो मैं कदी व्यभिचार कर्यो हूँ पापी छू ना ना बापा एवो पापी नथी पण पहला वचनामृतमां कह्यो एवो पापी छो क नही पूछ तारी जातने तारी ऊपर तारा स्वभाव ऊपर तारी नबळाई ऊपर तारी खोटखामी ऊपर कोई वात करे तो तने हारी लागे के मनमां दाज चढ़े अभाव आवे अने अभाव आवे तो भयंकर पापी छो केवू ई खतरनाक पाप छे के ए पाप तने क्यारे सत्संग में प्रीति नहीं थावा दे नहीं थावा दे नहीं थावा दे।